हेलो बच्चों, कैसे हैं? आज हम लोग क्लास 10 के लिए जीव विज्ञान से नियंत्रण और समन्वय चैप्टर से हम लोग क्या देखेंगे। पहला इसका पार्ट वन आपका डाला हुआ है चैनल पर, है ना। तो नियंत्रण और समन्वय का लघु उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे, वो भी कहाँ से, तो भारती भवन बुक से हम लोग देखेंगे, इसके प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, प्रश्नों को देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि जीवों के अंग और अंग तंत्र के कार्य का समन्वय एवं नियंत्रण क्यों जरूरी होता है। तो अंगों का नियंत्रण और समन्वय नहीं होगा तो क्या समस्या होगी? हमारे अंग मिलजुल करके काम करते हैं, है ना। कान अगर सुनता है तो इस बात को वो दिमाग तक पहुंचाता है, दिमाग उचित अनुक्रिया को दे सकता है ना। भोजन को देखते हैं, आँख से अनुक्रिया देता है तो खाने की इच्छा जगती है। तो शरीर के सभी अंग जो है साथ मिल करके कार्य को संपन्न करेंगे और हमारा शरीर सुचारू रूप से चल पाएगा। अति लघु उत्तरीय प्रश्न का भी वीडियो हमारे चैनल पर डाला हुआ है, है ना। चैनल को सब्सक्राइब करके आप पुराने वीडियो को देख सकते हैं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन ज़रूर दबाएंगे। दूसरा क्वेश्चन जो है, जिब्रेलिन की मुख्य उपयोगिता क्या है। हम जानते हैं जिब्रेलिन क्या है, हार्मोन है, है ना। पौधे का हार्मोन है, पादप हार्मोन है, और ये क्या करता है, तो इसे वृद्धि हार्मोन भी कहा जाता है। ऑक्सीजन के साथ ये कोशिका के विभाजन और दीर्घन में मदद करता है, जिससे हमारे स्तंभ की लंबाई में क्या होती है, वृद्धि होती है। अब तीसरे लघु उत्तरीय प्रश्न को देख रहे हैं, ऑक्सीजन की उत्पत्ति कहाँ होती है। तो ऑक्सीजन की उत्पत्ति तो होती है स्तंभ के शीर्ष पर, और जहाँ वृद्धि के लिए ज़रूरत होता है वहाँ तक ये पहुँचता है। चौथा प्रश्न है आपका, वृद्धि नियंत्रक पदार्थ से आप क्या समझते हैं, क्या तात्पर्य है इसका। तो वृद्धि नियंत्रक पदार्थ में क्या होते हैं, हार्मोन आते हैं। पादप में ये हार्मोन क्या करते हैं, वृद्धि का नियंत्रण करते हैं, है ना, और फल पत्तियों वगैरह को गिरने में मदद करते हैं। ये सब है वृद्धि नियंत्रक, वृद्धि को रोकेगा। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पाँच नंबर प्रश्न को देखें, अगर स्तंभ के शीर्ष को काट दिया जाए तो पौधे पर क्या असर होगा। तो अगर ऊपर काट दीजिएगा तो पौधे की लंबाई तो ऑटोमेटिक रुक जाएगी, लेकिन ऑक्सीजन उपस्थित है तो ये क्या करेगा, पार्श्व की शाखाओं को निकालेगा और उधर से वृद्धि होगी। अगला प्रश्न आपका है, साइटोकिनिन की कोशिका विभाजन में क्या महत्व है। साइटोकिनिन भी वृद्धि हार्मोन में आता है, और ये मुख्य रूप से क्या करता है, तो कोशिका द्रव्य के विभाजन में मदद करता है। अगर कोशिका का द्रव्य विभाजित होगा तो नई कोशिकाओं का निर्माण होगा। अगला प्रश्न आपका है कि छुई मुई की पत्ती में किस तरह की गति होती है, और हमारी टांगों की गति से यह कैसी अलग है। तो हमारी टांगों की गति जो है कोई डायरेक्शनल गति नहीं है, है ना। ये इधर उधर जिधर मन चाहे उधर हम लोग मूव कर सकते हैं, और ये तंत्रिका के द्वारा नियंत्रित होती है, संवेदना के अनुसार ये कार्य करता है। जबकि छुई मुई की पत्तियों में ट्रॉपिक गति होती है, जैसे ही हम उसे छूते हैं, स्पर्श अनुक्रिया है ये, तो छूते हैं तो एक दिशा में पत्तियां क्या होती है, मुड़ जाती है। अब अगले प्रश्न को देखें, आठ नंबर में, पौधे में प्रकाश अनुवर्तन किस प्रकार होता है। तो प्रकाश अनुवर्तन का अर्थ क्या हुआ, प्रकाश के कारण पौधे में होने वाली गति। तो पौधे की पत्तियां और तना को अगर हम देखेंगे तो प्रकाश की दिशा में गति करता है, यानी धनात्मक गति होती है, जबकि जड़ जो है प्रकाश से दूर जाना चाहता है, तो यहाँ ऋणात्मक अनुवर्तन होता है, ऋणात्मक गति होती है। अगला प्रश्न आपका है नाइन नंबर, जंतुओं के शरीर में स्थित तंत्रिका तंत्र का क्या काम है। तो जंतुओं के शरीर में जो तंत्रिका तंत्र होते हैं, है ना, वो क्या करते हैं, संवेदना को ग्रहण करते हैं। तो ये बाह्य या आंतरिक दोनों तरह की संवेदनाओं का स्थानांतरण करने का काम करते हैं। हमें प्यास की अनुभूति होती है, हमें पता चलता है भूख, दुख, दर्द, पीड़ा, ताप, है ना, ध्वनि को सुन पाते हैं। तो ये सारा काम किसका है, तंत्रिका तंत्र का है। दस नंबर प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं, तो मनुष्य में तंत्रिका तंत्र के विभिन्न भाग कौन कौन से हैं, यह किन रचनाओं से बनता है। तो मनुष्य का तंत्रिका तंत्र में मुख्य तीन भाग है, पहला केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र, और तीसरा क्या है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। और ये सब, ये तीनों तंत्रिका तंत्र जो है बने किससे हैं,
तो तंत्रिका कोशिका, मेरुरज्जु और मस्तिष्क से इनका निर्माण हुआ है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर, मस्तिष्क के महत्वपूर्ण कार्यों का उल्लेख करें। तो मस्तिष्क का कार्य क्या है, हम तो जान रहे हैं मस्तिष्क करता क्या क्या है। बुद्धि चतुराई का केंद्र है, गणना करता है, इंटेलिजेंस को है, मेमोरी है इसके पास। तो ये करता क्या है, सबसे पहले तो ये आवेग को ग्रहण करता है, ग्रहण किए गए आवेग के प्रति अनुक्रिया व्यक्त करता है, और क्या विभिन्न आवेगों के बीच ये सह संबंध स्थापित करता है, तभी तो हम कुछ चीज़ को कर पाते हैं सही ढंग से, है ना। और साथ में सूचनाओं का भंडारण करने का काम करता है। अब 12 नंबर प्रश्न की ओर जाते हैं। मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि के नाम बताना है, है ना। तो ये पिट्यूटरी है, थायराइड है, पैराथायराइड है, एड्रिनल है, लैंगरहंस दीपिका में अल्फा बीटा सेल है, अग्नाशय और अंडाशय है, वृषण है, ये सब अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। अब प्रश्न आया 13 नंबर, पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है। मास्टर इसलिए कहा जाता है कि हमारी अन्य जो शरीर की ग्रंथियां हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां, उनका नियंत्रण का जिम्मेवारी किस पर है, तो पीयूष ग्रंथि पर है, तो ये उनका नियंत्रण करता है। 14 नंबर प्रश्न क्या है, हार्मोन थायरोक्सिन का महत्व बताएं। तो ये हार्मोन क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है, और इसके वजह से हमारे शरीर में ऊर्जा बढ़ती है और साथ साथ हमारे शरीर का वृद्धि विकास होता है, खास करके हड्डी बाल वगैरह का विकास होता है। धन्यवाद, हमारे चैनल से जुड़े रहें, लगातार नए वीडियो का आनंद लेते रहें।